सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने जिला स्टेडियम में 4 करोड़ रुपए की लागत से बने इंडोर स्टेडियम हॉल का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 8 करोड़ की लागत से बनने वाले सिंथेटिक ट्रैक का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि इंडोर स्टेडियम के बनने से बास्केटबॉल, कुश्ती और अन्य इंडोर गेम्स के खिलाड़ियों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं खिलाड़ियों ने कहा कि इंडोर स्टेडियम से खिलाड़ी फोकस के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इस स्टेडियम में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक, ये सभी मैच हो सकते हैं, इंडोर मैच हो सकते हैं। और इसलिए अब हमारे खिलाड़ियों को 12 महीने खेलने का अवसर मिलेगा, इससे अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। हमने इसके साथ ही आज एक सिंथेटिक कोर्ट का भी, ट्रैक का भी उद्घाटन शिलान्यास किया है। 8 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से बनेगा। बहुत सा फायदा मिलेगा, मतलब धूप में भी, गर्मियों में जैसे कि प्रैक्टिस कम हो पाती है, तो इंडोर की वजह से प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। अब इंडोर मिल जाएगा तो सुबह शाम की बजाय दोपहर में भी कर सकती हूँ प्रैक्टिस, और इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। और मतलब धूप में भी, शाम को भी, गर्मियों में वैसे ही धूप रहती है तो शाम को भी हम लेट तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडोर स्टेडियम बन रहा है, इससे बच्चों को काफी फायदा मिलेगा। जब यहाँ बारिश वगैरह होती थी तो गेम रुक जाते थे, इससे बच्चों का जो गेम है वो भी डिस्टर्ब होता था और रेगुलर नहीं रह पाते थे। अब उनका जो गेम है वो भी रेगुलर रहेगा और प्रैक्टिस भी, इससे उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा।